राजधानी दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी को एक अलग रफ्तार मिली है और ये रफ्तार मिली है करीब 400 लोगों की नियुक्ति से। ये जो मेरे साथ आपको नज़र आ रहे हैं ये सभी जो है अलग अलग दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में इनकी नई नई नियुक्ति हुई है। और सबसे खास बात यही है कि तकरीबन 150 ऐसे लोग हैं जिन्हें मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी दी गई है। करीब 10.5 महीनों में दिल्ली सरकार में अब तक की ये बड़ी भर्ती कही जा रही है। तो मैं एक एक करके सबसे बात करता हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए आपका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है। जी, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ है अभी दिल्ली सरकार के स्कूल में पूत कलान रोहिणी एक्सटेंशन सेक्टर 22। अच्छा, क्या कहेंगे, अच्छा तो लग ही रहा होगा आपको। जी बिल्कुल, बहुत आज बड़ा दिन है मेरे लिए, ठीक है, कि माननीय उपराज्यपाल के द्वारा मुझे जो नियुक्ति पत्र मिला है वो बहुत बड़ी बात और बहुत खुशी की बात है, ठीक है, कि दिल्ली सरकार में मुझे जॉब मिली है, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। चलिए, आपका शुभ नाम बताइए क्या है। सर, मेरा नाम जतिन है। अच्छा जतिन भाई, कहाँ मिली आप जो आपको जॉब? सर, मेरे को एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिली। एजुकेशन में क्या हो गया, आप TGT के? जूनियर असिस्टेंट। अच्छा, जूनियर असिस्टेंट हो गए। तो अमूमन अभी जो स्थिति है रिक्रूटमेंट की वो कैसी है? सर, अच्छी स्थिति है, मतलब कि जब पहले जैसे अचानक ही पापा एक्सपायर हो गए थे मार्च के महीने में 2021 में, तो उसके बाद जैसे परिवार बिखर सा गया था, अब उसके सरकार ने जो हमें ये नौकरी दी है इससे थोड़ा अच्छा लग रहा है सर थोड़ा। ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट कहाँ पर मिला, जरा अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए। अपॉइंटमेंट लेटर ये देखिए जी। ठीक है, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस सुनील कुमार जी हैं जी। और ये बताइए सुनील जी, अभी जो स्थिति है रिक्रूटमेंट की वो अमूमन दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों में कैसी है? जो सुधार हुआ, सुधार का दावा किया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा सुधार है? देखो, अगर कुछ पिछले सालों की बात करी जाए तो सुधार तो है। जो पहले जो रिक्रूटमेंट होता था उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो अब जो है वो स्ट्रीमलाइन हो रहा है प्रोसेस। ठीक है, और एक आंकड़े के तहत तकरीबन 13,000 की करीब की वैकेंसीज हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट पे और हैं, और जो सरकार का दावा है, LG ऑफिस का दावा है कि आने वाले दिनों में जो DSB है यह 13,000 और नौकरियों की लिस्ट निकालेगी। आपका शुभ नाम बताइए और कहां पर अपॉइंटमेंट आपका हुआ है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, मेरा नाम बबीता है और मेरा अपॉइंटमेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में हुआ है, और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मतलब अपना टाइम निकाला और हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। तो आपको लगता है ये तो नए साल में बड़ी खुशी का मौका है, तो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? सर, अभी तो अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, अब हम स्कूल जाएंगे, अपनी लाइक सर्विसेज देंगे, वही हमारी हैप्पीनेस होगी। अच्छा, आप लोग भी अपॉइंटमेंट? जी 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 सर, मेरा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में हुआ है दिल्ली एजुकेशन बोर्ड में, तो मैं अभी असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्य करूँगी। हाँ सर, हमारा भी दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। अच्छा, अमूमन अभी जो स्थिति है रिक्रूटमेंट की वो अभी कैसी है, ठीक हुई है या पहले से बेटर है? पहले नहीं थी अच्छी, अब थोड़ी बेटर में। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो पहले से बहुत फास्ट हो गया है, अब हर चीज़ जो है टाइमली हो रही है, वैकेंसीज हैं वो रेगुलर आ रही हैं। पहले क्या नहीं होता था और अब क्या हुआ जिससे आपको लग रहा है कि पारदर्शिता न केवल बढ़ी है बल्कि सिस्टम अच्छा हुआ है? पहले तो ये होता था कि मतलब बहुत ही डिले चलता था प्रोसेस, इतना टाइम एग्ज़ाम कब हो रहा है, 2 साल एग्ज़ाम में हो रहे हैं, 2 साल रिक्रूटमेंट हो रहा है, 2 साल फिर अपॉइंटमेंट में हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, जिससे जो अपॉइंटमेंट जो कैंडिडेट्स होते थे उनको बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी। कुछ लोग तो मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते थे क्योंकि अपॉइंटमेंट ही इतना लेट होता था, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको कुछ तो अपना रिसोर्स चाहिए होता है, अर्निंग सोर्स होना चाहिए। तो मुझे भी लग रहा है सर कि पहले के कंपैरिजन में अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, क्योंकि जो वेबसाइट है उस पर हर चीज़ रेगुलरली अपडेट होती है, तो वहाँ से हम लोग जाके अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर वगैरह सब चीज़ देख सकते हैं, तो इस कारण जो है हमें लग रहा है कि पहले से बहुत बेहतर हो रहा है हर चीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो एक ऐतिहासिक मौका है जब तकरीबन 150 लोगों को एक ही साथ मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी मिली है, और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो आपने देखा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, NDMC हो, MCD हो, इन जगहों पर जो अपॉइंटमेंट है वो लगातार हुई और आपने देखा कि उनके चेहरे पर किस तरह से खुशी का भाव था। रितेश मिश्रा के साथ राम किंकर सिंह, विज्ञान भवन, आज तक।